आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा सिख दंगों के आरोपी को बना दिया मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, राम मंदिर मामले पर सुनवाई 10 जनवरी को। शिवराज फिर फॉर्म में, कार्यकर्ताओं से कहा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहे। छत्तीसगढ़ में विधायकों ने ली शपथ, धर्मलाल कौशिक बने नेता प्रतिपक्ष। और मंत्री जी के बिगड़े बोल, जो आदेश नहीं मानेगा उसे लात देकर बाहर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा इन लोगों का इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का है। जो लोग सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री बनाकर पुरस्कार दे रहे हैं उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मोदी गुरदासपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। चुनावी साल की पहली रैली में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इन लोगों का इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का रहा है। इन लोगों ने दंगों के आरोपियों को सीएम पद का पुरस्कार दिया है। जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। मत भूलिए, करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी। प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि एक परिवार के इशारे पर आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी। कांग्रेस ने पहले देश को गरीबी हटाओ के नारे पर ठगा था, अब कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई की उम्मीद जाग गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अपीलों पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय कर दी है। उस दिन 3 जजों की बेंच यह तय करेगी कि मामले में सुनवाई की दिशा और दशा क्या होगी। वर्तमान बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम 3 जजों की बेंच नहीं है और ऐसे में हम इस मामले में सुनवाई तय नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। इस मामले में पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। ऐसे में 2 सदस्यीय बेंच विस्तृत सुनवाई नहीं कर सकती। इस पर 3 या उससे अधिक जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। नई बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितम्बर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई करेगी। 2 सदस्यीय बेंच के सामने वकील हरिनाथ राम ने नवंबर में जनहित याचिका लगाकर जल्द से जल्द और हर दिन सुनवाई करने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा रही है। ऐसे में केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि अगर 2019 चुनाव से पहले मंदिर नहीं बना तो यह जनता से धोखा होगा, इसके लिए भाजपा और आरएसएस को माफी मांगनी पड़ेगी।
उधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अध्यादेश लाने का विरोध करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मानना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसे पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब सब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहे, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और नववर्ष की बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा। शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने वंदे मातरम को बंद कर सही काम नहीं किया। शिवराज ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र का प्रतीक है, वंदे मातरम की धुन से अंग्रेजों के कांप उठते थे। शिवराज ने कहा कि वंदे मातरम बोलकर देश को आजादी मिली है, इस पर प्रतिबंध उचित नहीं है। अभी हम सरकार के कामकाजों पर नजर रखेंगे। सरकार भी अजब गजब व्यवहार कर रही है। सबके सब पटल दारू का, वंदे मातरम भी बंद नहीं। जब हल्ला मचा हमारे कार्यकर्ताओं ने सिंगनाद किया, कहने नहीं बंद किया है लेकिन नए फार्म में शुरू करेंगे। अरे वंदे मातरम का कोई फार्म होता है क्या? वंदे मातरम तो वंदे मातरम होता है, भारत माता की वंदना का गीत वंदे मातरम। वो वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की लड़ियां काटने हंसते हंसते अपने सीनों पर गोलियां छेद गए थे क्रांतिकारी और अपने गर्म गाड़े और लाल रंग से भारत भूमि को रंग दिया था। शिवराज सिंह ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहने को कहा। शिवराज ने कहा कि लोकसभा में एक बार फिर हम जीत हासिल करेंगे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधन में कहा कि बीजेपी 7 तारीख को बल्लभ भवन में वंदे मातरम गीत का गायन कार्यकर्ताओं के साथ करेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। ये पहली बार नहीं, हम ये तीसरी बार सुन रहे हैं। पहली बार जब सुना था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और ये तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने ये बात दोहराई। वंदे मातरम को लेकर के सियासत उठने का नाम नहीं ले रही है। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी जहां कांग्रेस पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम को नए रूप में लाया जाएगा, बैंड बाजा के साथ वंदे मातरम को बजाया जाएगा और महीने की पहली तारीख को ही बजाया जाएगा। पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वंदे मातरम को वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उसका फॉर्म कैसे बदला जा सकता है? वंदे मातरम के वर्ड जो हैं वो राष्ट्र के प्रतीक है, वंदे मातरम क्यों बंद किया गया, ये सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि वंदे मातरम के साथ साथ हम लोकसभा के लिए भी तैयार हो रहे हैं, लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, वो शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी को लाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर में नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने धर्मलाल कौशिक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। भाजपा पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष को लेकर उलझी हुई थी। अंततः विधायक दल की बैठक में धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। उधर विधानसभा में सदस्य शपथ ग्रहण कर रहे थे, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक अपनी शांत और सौम्य छवि के लिए जाने जाते हैं। वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भाजपा विधायक दल की बैठक में इनके नाम की घोषणा की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भाजपा के कई नेताओं ने अपनी दावेदारी रखी थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इस दावेदारी में धर्मलाल कौशिक का नाम अंतिम दौर में सामने आया। विधायक दल की बैठक में ही उनके नाम पर मोहर लगी। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक बिल्लाह से विधायक हैं, वे पेशे से अधिवक्ता रहे हैं और वर्ष 2090 में सबसे पहले भाजपा के बिल्लाह मंडल में महामंत्री बनाए।
बनाए गए थे। कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्रियों के सिर सत्ता का नशा जमकर बोल रहा है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं जो कर्मचारी अधिकारी हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे उसे लात देकर बाहर कर दिया जाएगा। कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वायरल किया है, जिसमें श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ बोलते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता जब मंत्री सिसोदिया का स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने चुटकी बजाते हुए कहा जो अधिकारी कर्मचारी हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे उसे लात देकर बाहर कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लात देकर बाहर कर दिया जाएगा। खबर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही ये वीडियो लीक किया है। ये वीडियो हिनौतिया गांव में स्वागत के दौरान बनाया गया था। सूत्र बताते हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद मंत्रियों को संयमित भाषा का उपयोग करने के निर्देश ऊपर से मिले हैं। नए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वे जनसंपर्क विभाग के जरिए कांग्रेस सरकार की जनहितैषी योजनाओं और कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनसंपर्क मंत्री बनने के बाद वे मीडिया से चर्चा कर रहे थे। कमलनाथ मंत्रिमंडल के विधि मंत्री पीसी शर्मा को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पीसी शर्मा जमीन से जुड़े नेता हैं, ऐसे में वे जनसंपर्क के जरिए कुछ नया करना चाहते हैं। नए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वे कांग्रेस सरकार की जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो सरकार के माध्यम से वो जनपद सुना और वो बातें जन जन तक पहुंचे लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी तक आखिरी महिला पुरुष तक वो बातें पहुंचे और उसका उनको लाभ मिले। मैं सोचता हूँ कि ये काम उन तक पहुंचाने का इस विभाग के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। संत हिरदाराम नगर में बाइक सवार दो युवकों ने एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये दुकानदार रात को अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत हिरदाराम नगर में ज्योति ज्वेलर्स के मालिक 63 वर्षीय राम कुमार मंगवानी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। लीला शाह आश्रम के पास दो युवक झुमाझटकी कर बुजुर्ग व्यापारी से बैग लूटकर फरार हो गए। घटना बीती रात 9:30 बजे की है। बैग में दुकान की तिजोरी की चाबियां और चेकबुक नकदी भी था। 9:40 के आसपास की बात है। मैं अपने घर की तरफ टर्न हो ही रहा था कि पीछे से कोई बाइक वाले ने मेरे को धक्का देके मेरी बैग छीन के और भाग गया। मैं स्लिप हो गया, फिर मैं उठा, मैं अपने आप को संभाला जब तक उनके पीछे भागू, उनके पीछे गया मैं गाड़ी लेके जब तक वो संत हिरदाराम नगर पुलिस घटनास्थल के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। फरियादी का कहना है कि जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था तभी पीछे से आ रहे दो युवकों ने लूटपाट की और भाग गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।